हेलो फ्रेंड, वेलकम टू निजुक्ति ओडिशा यूट्यूब चैनल। इंडिया पोस्ट तरफ ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस पोस्ट रो वैकेंसी बाहरी तार एवं ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो सारी। पोस्ट को आपन ऑनलाइन अप्लाई केमिति करेंगे स्टेप बाय स्टेप मु आपनको अप्लाई करके देखेबी। ता पूर्व जदि आपन ए चैनल नुआ अछंती ए चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु और बेल आइकन प्रेस करबा को भूलंतु नै। चलंतु ए पोस्ट को आपन केमिति अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप जानिबा। फ्रेंड ये जो देखुंती इनिजुक्ति डॉट इन निजुक्ति ओडिशा रा ऑफिशियल वेबसाइट रही डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे डायरेक्ट क्लिक करेंगे आप वेबसाइट पहुंच पारे नचे आप गूगल सर्च करेंगे इनिजुक्ति डॉट इन जो वेबसाइट आप प्रथम आसो से वेबसाइट क्लिक कर पोस्ट में पहुंच पारे। ये आप शो कर इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रुटमेंट 2023 नोटिफिकेशन आप शो कर जहाँ जहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रही पोस्ट को अप्लाई करेंगे डिटेल्स आप चेकआउट करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई जो स्टार्ट 27/1/2023 स्टार्ट लास्ट डेट रही 16/2/2023 जाए रहिबो। एप्लीकेशन फी आपन के दरकार एज लिमिट आपन के रही आप डिटेल्स दे आप चेकआउट करेंगे को स्टेट पर कितने वैकेंसी रही आप चेकआउट करेंगे। ये आपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप डाउनलोड करेंगे। जदि आप पोस्ट को एलिजिबल होते हैं आप अप्लाई लिंक आप क्लिक करेंगे। अप्लाई लिंक क्लिक कला पेजटा आप ओपन होकर ऑनलाइन जीडीएस एंगेजमेंट सिस्टम आपड़ी शो कर फास्ट आपको रजिस्ट्रेशन करा पड़ो। रजिस्ट्रेशन आप क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन शो कर रजिस्ट्रेशन आप क्लिक करेंगे। आप शो कर ऑनलाइन ग्रामीण डाक सेवक एंगेजमेंट सिस्टम रजिस्ट्रेशन पोर्टल आप ओपन हो सब डिटेल्स आप भरेंगे। मोबाइल नंबर आप वैलिड मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे आप वैलिड मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। ओटीपी जी सो ओटीपी आप एंटर कर सबमिट ओटीपी आप क्लिक करेंगे। सेमती आप इमेल आईडी देते वैलिड इमेल आईडी पर क्लिक करेंगे आप इमेल आईडी ओटीपी जी ओटीपी दे सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आप इमेल आईडी आप फोन नंबर आप वेरीफाई करें। एप्लीकेंट नेम एज पर सेकेंडरी स्कूल पास सर्टिफिकेट जहाँ आप मैट्रिक सर्टिफिकेट जहाँ आप ना अच्छी स्पेलिंग मिस्टेक करें से ना आप करेक्टली आप एंटर करेंगे। फादर्स नेम मदर्स नेम एज पर सेकेंडरी स्कूल पास सर्टिफिकेट फादर्स नेम ना आप मदर्स नेम जहाँ आप स्कूल सर्टिफिकेट जहाँ आप फादर्स नेम कि मदर्स नेम आज आप गोटे आप एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ जहाँ आप डेट ऑफ बर्थ रही डेट ऑफ बर्थ आप डेट ऑफ बर्थ डेट मंथ ईयर आप सिलेक्ट करेंगे। डेट मंथ ईयर आप कैलेंडर सिलेक्ट करेंगे। जेनर आप अच्छी मेल फीमेल जहाँ आप जेनर जेनर सिलेक्ट करेंगे। कम्युनिटी आप कौन अच्छी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी जहाँ आप सिलेक्ट करेंगे। सर्कल इन हुई सेकेंडरी स्कूल फास्ट आप सेकेंडरी स्कूल कौट पास करते आप सर्कल आपड़ा सिलेक्ट करेंगे। क्लिक हियर टू नो योर सर्कल आप सर्कल आप जाना क्लिक हियर टू नो योर सर्कल पर क्लिक कर सर्कल आप चेकआउट करेंगे। इयर ऑफ पासिंग ऑफ सेकेंडरी स्कूल आप सेकेंडरी स्कूल आप पास कले टेन्थ पास आपड़े आपयर आप सिलेक्ट करेंगे। एंटर द टेक्स्ट शोन बिलो आप जो टेक्स्ट देखते कैप्चा देखते कैप्चा आप फिलअप करेंगे। आपड़ी सबमिट उपरे क्लिक सबमिट उपरे क्लिक कलापर आप रजिस्ट्रेशन पेजट आप कंप्लीट हो जहाँ जहाँ रजिस्ट्रेशन भरते आप शो कर पेजट आप खोल आप तल तर स्क्रोल करेंगे। प्लीज कंटिन्यू फिलिंग योर डिटेल्स बिलो आप जहाँ सब एडिशनल डिटेल्स अच्छे आप फिलअप करा पड़ो। आधार नंबर आधार नंबर आप रही आधार नंबर आप एंटर करेंगे। आर यू ए पर्सन विथ डिजेबिलिटी आप पीडब्ल्यू कैटेगरी होते हैं येस नो आप करेंगे। जब आप येस क्लिक करते टाइप्स ऑफ डिजेबिलिटी आप कौन थे डिजेबिलिटी आप अच्छे कैटेगरी ए बी सी आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर सारा आप सब कैटेगरी आप हिसाब से जो कैटेगरी आप चूज करते हैं हिसाब से सब कैटेगरी आप शो करते जब आप पीडब्ल्यू कैटेगरी है तो आप नो क्लिक करेंगे। वे स्टडी इन सेकेंडरी स्कूल आप स्कूल आप लैंग्वेज आप पढ़ी आप सेकेंडरी स्कूल आप लैंग्वेज पढ़ते हैं आप लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे। आप भी आप लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे आप ओके क्लिक करेंगे। वेदर एम्प्लॉयड आप एम्प्लॉयड थे आप येस क्लिक करेंगे। येस क्लिक कला वेदर एम्प्लॉय एनओसी इज अवेलेबल आपके जब आप एम्प्लॉय थे आप एनओसी आप भरा पड़ो आप एनओसी अच्छी आप आप येस क्लिक करेंगे। आप एनओसी ना तो आप नो क्लिक करेंगे। जब आप एम्प्लॉय नए जॉब करूँ तेज आप नो क्लिक करेंगे। अपलोड फोटो आप फोटोग्राफ आप अपलोड करेंगे। फोटोग्राफ साइज रहा दरकार 50 KB भितर आप फोटोग्राफ साइज रहा दरकार जेपीजी फॉर्मेट रहा दरकार चूज फाइल करेंगे। आप फोटोग्राफ आप अपलोड करेंगे। सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे सिग्नेचर साइज रहा दरकार 20 KB मैक्सिमम आप 20 KB भितर आप सिग्नेचर साइज रहा दरकार जेपीजी फॉर्मेट रहा दरकार। आप चूज फाइल कर सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे। तापर आप सबमिट उपरे क्लिक करेंगे। सबमिट उपरे क्लिक कला जहाँ जहाँ आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरले शो कर ये आप डिक्लेरेशन शो कर डिक्लेरेशन भले भाव पढ़ने ये आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आर आप टिक करेंगे। आप सबमिट उपरे क्लिक करेंगे।
सबमिट उपरे क्लिक कला परे आपनकर रजिस्ट्रेशन आपनकर कंप्लीट हे गेला एठी आपनकर रजिस्ट्रेशन नंबर आपन शो करबे आपन रजिस्ट्रेशन नंबर नोट डाउन करी आपन पाखरे रखी नेबे तापर आपन एठी कंटिन्यू टू अप्लाई उपरे क्लिक करबे टू अप्लाई उपरे क्लिक कला परे आपनकर रजिस्ट्रेशन डिटेल आपन टिक आसी गेला सेशन फॉर्म आपन टिक हबो चूज प्रेफरेंस आपन टिक हबो प्रिंट एप्लीकेशन टिक हला परे आपन एप्लीकेशनटा सबमिट हे जिवो एठी आपनकर रजिस्ट्रेशन नंबर आपन शो करतबो सर्कल अप्लाइंग फॉर आपन को सर्कल आपन अप्लाई कर चाहंती आपन एठी आपनकर सर्कल आपन चूज करबे ओडिसा आपन सर्कल चूज करबे तापर आपन एठी सबमिट उपरे क्लिक करबे क्लिक कला परे रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर सर्कल अप्लाई कले शो करो मोबाइल नंबर में ओटीपी जाइए आप ओटीपी आठ एंटर करेंगे कैप्चा उसे कैप्चा फिलअप करेंगे नेक्स्ट क्लिक करेंगे नेक्स्ट क्लिक कला एप्लीकेशन फॉर्म टिक रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ जहाँ एंटर कर शो कर एड्रेस डिटेल भरेंगे कम्युनिकेशन एड्रेस एड्रेस भरेंगे डोर हाउस अपार्टमेंट नंबर आप देते स्ट्रीट नेम आप लिखे सिटी विलेज नेम लिखे पंचायत डिस्ट्रिक्ट नेम आप लिखे जहाँ आप पिनकोड रही पिनकोड आपड़ी एंटर करेंगे आपड़ी कम्युनिकेशन एड्रेस जो आप भरले जब आप परमानेंट एड्रेस सहित सेम अच्छी आप टिक करेंगे सेम आज कम्युनिकेशन एड्रेस ये टिक करेंगे दुईटा का एड्रेस आपको सेम हो जब आप एड्रेस अलग अलग अच्छी आप टिक करें अलग अलग आप्रेस भरवे क्वालिफिकेशन डिटेल्स सर्कल इन हुई टेन्थ क्लास पास आपड़ी कौटी आप टेन्थ क्लास पास करते आप सर्कल आपड़ा सिलेक्ट करते हैं आप शो कर सिलेक्ट बोर्ड ये आप बोर्ड आप सिलेक्ट करेंगे ये आप दुटा बोर्ड रही बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्यम कटक आप 2011-2013 आप सिलेक्ट करेंगे जब आप 2009 पास आउट होती अनवर्ड ओडिशा आप 2009 आप सिलेक्ट करेंगे आप हिसाब से जहाँ आप रही आप हिसाब से आप बोर्ड आप सिलेक्ट करेंगे जब आप सीबीएसई होते सीबीएसई आप सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट कर सारे आपकी सिलेक्ट रिजल्ट टाइप आपल्ट सिलेक्ट रिजल्ट टाइप आप मार्क आपको मार्क आप सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट कले आपकी सब्जेक्ट वाइज आप मार्क भरिया पड़ो आप बोर्ड हिसाब से जो बोर्ड आप सिलेक्ट करते बोर्ड हिसाब से मार्क आप आसो आप 2011-2013 आप सिलेक्ट करते आप इंग्लीश में आप फुल मार्क आप शो करेंगे इंग्लीश में फुल मार्क 75 था से इयर में आप 75 था इंग्लीश में आप मार्क आप एंटर करेंगे जदि आप ग्रेड अच्छी तालोले आप ग्रेड जी ग्रेड अच्छी ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड जहाँ आप ग्रेड जी पॉइंट आप सेम नोटिफिकेशन में आपको कही पूर्व भिडियो में कही कमी आप ग्रेड रू मार्क कन्वर्ट करेंगे जीत आप ग्रेड अच्छी ग्रेड जी पॉइंट अच्छी इंटू 9.5 तक मल्टीप्लाई करेंगे जीत आप मार्क रहा से मार्क आप एंटर करेंगे इंग्लीश में आपत मार्क रखिंट सिलेक्ट सब्जेक्ट आप एमआईएल ओडिया आपड़ी एमआईएल ओडिया पढ़ते हैं एमआईएल ओडिया सिलेक्ट करेंगे एमआईएल हिंदी जी करते हैं हिंदी सिलेक्ट करेंगे जहाँ आप सिलेक्ट करेंगे तापर आप टोटल मार्क आप शो करो आपत मार्क रखते हैं एमआईएल एमआईएल मार्क आप एंटर करेंगे सेमती आप मैथमेटिक्स के सैंस आप सोशल सैंस सामान्य दर्शन आपत रखते सामान्य साहित्य आपत रखते सामान्य बैकग्राउंड आप रखते आप भरेंगे जीपीए स्कोर आप लिखी इफ सीजीपीए इज नॉट अलाउड बाय द बोर्ड यू मे लीव दिस फील्ड एज ब्लैंक आप सीजीपीए ना तो आप सीजीपीए ब्लैंक छाड़देव आपंकर बोर्ड जब आप 2009 अनवर्ड सिलेक्ट कर सब्जेक्ट कौन अच्छे मुझे देखे दूसरी सिलेक्ट कलापर आपकी आप सब्जेक्ट भरिया ऑप्शन आसो सिलेक्ट सब्जेक्ट आप सेकेंड लैंग्वेज आप कौन थी इंग्लीश थी ना आप हिंदी थी जहाँ आप सेकेंड लैंग्वेज आप सेकेंड लैंग्वेज चूज करेंगे सेकेंड लैंग्वेज चूज कर सारे आप टोटल मार्क आप 100 देखा 100 आप कैसे मार्क रखिंट देते जब आप ग्रेड अच्छी आप ग्रेड पॉइंट जहाँ आप से ग्रेड पॉइंट र चार्ट आपर से मेन नोटिफिकेशन आपची ए ग्रेड थे आप वन थे आपको पॉइंट मिले मैक्सिमम पॉइंट जी पॉइंट आप रोचे से पॉइंट तरह 9.5 आप मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई कला जहाँ आप आंसर रहा है आप मार्क आप एंटर करेंगे सेकेंड सिलेक्ट लाइक सब्जेक्ट आप फास्ट लैंग्वेज आप कौन रही लैंग्वेज आप ओडिया अच्छी ना हिंदी अच्छी जहाँ आप फास्ट लैंग्वेज आप रखिए फास्ट लैंग्वेज आप कितने मार्क रखते मार्क आप मेनसन करेंगे मैथमेटिक्स आप साइंस आप सोशल साइंस आप मेनसन करेंगे सिलेक्ट थर्ड लैंग्वेज आप कौन थी थर्ड लैंग्वेज आप हिंदी थी ना ओडिया थी संस्कृत थी जहाँ थी आप हिसाब से सिलेक्ट करेंगे कैसे आप रखिंट थर्ड लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे आप मार्क रखें आप मार्क आप एंटर करेंगे जदि आप सीजीपीए आप मिली सीजीपीए जब आप अच्छी आप सीजीपीए के अच्छी सीजीपीए पॉइंट आप लिखे जब आप सीजीपीए ना यही बक्सटा आप ब्लांक छाड़देवे आपड़ी सेव एंड कंटिन्यू उपरे क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू उपरे क्लिक कलापर ये आपंकर प्रिफरेन्स आप भरिया पड़ो सर्कल अप्लाई फॉर आपड़ा आप सिलेक्ट करते आप शो करते सिलेक्ट डिविजन अप्लाई फॉर आप कौ डिविजन अप्लाई करेंगे ये आप डिविजन आप सिलेक्ट करेंगे आप जो डिविजन अप्लाई करा चाहते ये आप डिविजन आप सिलेक्ट करेंगे डिविजन सिलेक्ट कर सारा से डिविजन आप कैसे ऑफिस अच्छी पोस्ट ऑफिस आप कैसे आप सब शो करेंगे
प्रिफरेंस देते फास्ट प्रिफरेंस फास्ट देपारे कि सेकेंड देपारे कि थर्ड देपारे थर्ड थर्ड फोर्थ आपर प्रिफरेन्स मेनसन करेंगे जहाँ आपर प्रिफरेन्स रही प्रिफरेन्स सीरीयल रही है प्रिफरेन्स देते सेमती आप सेकेंड पेज को आपारे थर्ड पेज फोर्थ पेज जहाँ आप हिसाब से सीरीयल वाइज सब प्रिफरेन्स देदेव सिलेक्ट सर्कल एंड डिविजन फर भेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ सिलेक्शन जदि आप सिलेक्शन होती मेरिट लिस्ट आउंटे आप डॉक्यूमेंट भेरिफिकेशन कौ डिविजन आपड़ा करेंगे ये आप सिलेक्ट सर्कल आपड़ा सिलेक्ट करते सिलेक्ट आपड़ा करेंगे ना आपड़ा बाहर कौटी आप डॉक्यूमेंट कराया चाहते हैं हिसाब से सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट डिविजन कौ डिविजन आपड़ी डॉक्यूमेंट भेरिफिकेशन करेंगे आपड़ा डिविजन आपड़ी सिलेक्ट करेंगे आ भर आप डिविजन आप सिलेक्ट करेंगे तापर आप डिक्लेरेशन आप भल भाव में पढ़ने डिक्लेरेशन पढ़ के आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आप आर पर क्लिक करेंगे तापर आप सेवन प्रोसीड पर क्लिक करेंगे सेवन प्रोसीड पर क्लिक कलापर आप शो कर डाटा सबमिटेड सक्सेसफुल आप डाटा सबमिटेड सक्सेसफुल होगा प्लीज पे द फी टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस जदि आपकेशन फी आप पे कहते हैं आप एप्लीकेशन फी आप पे करेंगे अनरिजर्व ओबीसी कैटेगरी होते हैं आप एप्लीकेशन फी आप पे करा पड़ो शहे टाँग आपको पे करा पड़ो जदि आपर एससी एस टी कि आप वुमेन्स कैटेगरी होती पीडब्ल्यू कैटेगरी होती है आप एप्लीकेशन फी पे करा पड़ो डायरेक्ट आप सबमिट हो डायरेक्ट आप एप्लीकेशन आप प्रिंट कर रखिपारे आप ओके क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फी पे करेंगे ओके क्लिक करेंगे ओके क्लिक कलापर आप एप्लीकेशन फी आप कत टा पे कर शो कर आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे पेमेंट पर क्लिक कला आपड़ी पेमेंट मेथड आसो ये आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग यूपीआई वॉलेट क्यूआर कोड थोड़े आप पे करेंगे जो ऑप्शन आप चूज करते हैं ऑप्शन आसो आप भरेंगे जब आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड चूज करते हैं कार्ड डिटेल्स आप भरेंगे तापर आप मेक पेमेंट फॉर 100 उपर क्लिक करेंगे क्लिक कलापर आप पेमेंट वेरीफाई हो पेमेंट वेरीफाई होगा आप पेमेंट सबमिट हो पेमेंट सबमिट होगा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो एप्लीकेशन फॉर्म टाक प्रिंट कर रखने इंडिया पोस्ट जीडीएस 2023 की आपत ऑनलाइन अप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप मुझे बतई सारी जदि आप मन में किसी भी डाउट अच्छी कमेंट सेक्शन में पचारत यह भिडियो आप भल लगी है भिडियो को लाइक करूँ आप फ्रेंड मैं सहित सेयार करूँ चैनल को सब्सक्राइब करा भूलु धन्यवाद।